ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। प्रकृति नहीं डर कर झुकती है, प्रकृति नहीं डर कर झुकती है, कभी भाग्य के बल से सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से श्रम जल से। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर पंख भाल के भवा भ्रुवों से पानी। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का, भाग दूसरे जन का। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, सब सुख उसने अपने भुज बल से ही पाया है। प्रकृति नहीं डर कर झुकती है, कभी भाग्य के बल से सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से श्रम जल से। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, थोते वीर पंख भाल के बहा भ्रुवों से पानी। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। शोषण नहीं करना चाहिए किसी का, दूसरे का हक नहीं छीनना चाहिए। अगर मेन इसकी लास्ट वाली पंक्ति की हम बात करें तो कहा गया है कि मनुष्य जो है ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, यानी कि हम कुछ लिखवा करके नहीं लाए हैं, जो हम कार्य करते हैं बस वही हमें फल देता है, जो हमारी भुजाओं में दम है या श्रम जल जो है, यानी कि जो हम श्रम करते हैं पसीना बहाते हैं तो ही हमें कुछ मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम ब्रह्मा से कुछ भाग्य में लिखवा करके लेकर के आए हैं। सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, यानी कि प्रकृति जो है मनुष्य के कार्यों से हार जाती है और उसे एक नया रास्ता दिखाती है। यह नहीं है कि हम प्रकृति से संचालित हैं, बल्कि प्रकृति हमारे कार्यों से संचालित है। साथियों, यहाँ पर ये कहा गया है कि जो कार्य नहीं करते हैं, निरुद्यमी प्राणी हैं, उन्हें उद्यम करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, तभी सफलता प्राप्त होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों। और मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।